गाइस हेलो जय जी गाइस, ये मुस्तफ़ा सेंटर है। अभी मैं लिटिल इंडिया में हूँ। जय जी ने कहा था ये लिटिल इंडिया के बारे में, और ये मुस्तफ़ा सेंटर 24 आवर्स ओपन। यहाँ पर बहुत सारे इंडियन हैं, और जय जी ने जो बोला था जी, यहाँ पर फूड बहुत चीप मिलते हैं। बहुत सही कहा उन्हें। मेरा $2 में मैं खाना खाया। और गाइस, मुझे जो इनकरेज किया बहुत, और मैं जेस जी की बात सुन के मुझे उनसे इतना इनकरेज मिला, और मेरा मूड भी उसके उसके बात सुन के बहुत अच्छा लगा। कि वो मेरा दिल कह रहा कि मैं अच्छे गाइड के हाथ में पड़ गया। तो जेस जी ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, बहुत ही गाइड किया वो। उनके उन्होंने जैसे जैसे कहा, मैंने हाँ जेस जी ने बहुत हेल्प किया। मैंने ये कहा था, और एक सर भी है यहाँ पर, उनका नाम मेरे मालूम नहीं है, लेकिन वो भी मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। ये जेस जी के ब्रदर शायद, जेस जी ने बोला था, बहुत अच्छा गाइड किया। गाइस अभी मैं घर की तरफ जाऊंगा। यह जलान बसार रोड है, आप देख रहे हो ना, इसमें यह जलान बसार रोड है। एक्चुअली मैं यहाँ पर नया नया हूँ, मुझे भी पता नहीं मैं नया नया हूँ। तो मैं जो अभी आया यहाँ पर खाने के लिए आया था, तो खा लिया। अभी मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए बस आया था यहाँ पर। अब जलन बसार का रोड मेरा ये देखिए, बहुत सुंदर है। ये जेसी यहाँ पर बहुत पहचानती है लगते हैं, लेकिन हम तो नया नया है। हाँ गाइस, मैंने उनको कहा, जेस जी को, जब मैंने एयरपोर्ट में पहुँच गया, इमिग्रेशन ख़त्म हो गया, तो मैंने जेस जी को बोला था कि मैं पहुंच गया, आ गया। तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे, और थैंक यू गाइस, आप सबको थैंक यू। यहाँ पर ग्रुप में वो अभी आप सबके साथ, तो दुआओं में भाई याद रखना, और जेस जी का गाइड ज़रूर लेना, और सर भी गाइड करेंगे यहाँ पर एक। और गाइस, यहाँ पे जो मेट्रो होता है, मेट्रो का सिस्टम मुझे भी समझ नहीं आता है। गाइड है तब भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैं हर किसी को पूछता हूँ, गाइड है मेरे पास। यहाँ पे बहुत सारे ईस्ट वेस्ट बहुत सारे कोच है, मेट्रो है, डाउनटाउन है, तो मुझे पता नहीं है। गाइस जी, जेस जी आपको गाइड करेगी इसके बारे में, तो शायद बहुत अच्छा होगा। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे दिन बिताए, और मुझे भी एक्सपीरियंस हो जाएगा जब मैं यहाँ पर रहूँगा, तो मुझे भी एक्सपीरियंस हो जाएगा शायद। और गाइस, यहाँ पे जो फूड, इंडियन फूड बहुत मिलता है, और फूड भी बहुत सस्ता है। जैसे 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 जी ने बोला, $2 की और $2.50 की, आप सोच ही नहीं सकोगे। दो आदमी, दो तीन आदमी आराम से खा पाओगे, इतना बहुत फूड मिलता है ओनली $2। मैं बाकी छोड़ के आ गया, मैं खा नहीं पा रहा था, इतना छोड़ के आ गया। तो शायद दो लोग होते तो आराम से खा सकते थे हम, ठीक है ना। तो जेस जी ने जैसे जैसे कहा वही परफेक्ट। एक्चुअली मैंने नहीं, जेस जी ने कहा था पहले कि यहाँ पर जैसे जैसे वहाँ पर जाओ, खाना बहुत सस्ता मिलता है। तो मैंने किया, तो जैसे जैसे जेस जी ने कहा, जैसे खाने के बारे, यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स है, और ये इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस है, इंडियंस फूड है, तो आपको सस्ते में, चीप में, बहुत सस्ते में खाना मिल जाएगा। ये सही खाना कहा उन्होंने, और मैं भी वही खाना खाया विद इन $2। ये हमारा लिटिल इंडिया है, सिंगापुर में बहुत अच्छा प्लेस। मैं घूमा इस जगह को, जैसे जी ने बोला था कि यहाँ पर आने के लिए, तो अभी मैं आया। तो मैं कुछ देर बाद मेरा लंच कंप्लीट करूँगा। मैं जस्ट यहाँ पर आया हूँ। जैसे क्या कह रहे थे कि
यहाँ पर घूमने के लिए, और मैं घूमूंगा और भी बहुत सारे प्लेस है। ये बहुत सारे इंडियन शॉप है, और बैंक ऑफ बायो भी है, इंडिया बैंक ऑफ इंडिया भी है। गाइस अभी मैं लिटिल इंडिया में हूँ, और यहाँ पर बस गर्मी ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारे इंडियन हैं। जस जी ने बोला कि यहाँ पर घूमने के लिए आना है तो आया। बहुत लंबा रोड है, मैं पूरा घुमा नहीं अभी तक। मैं यहाँ पर एक टेंपल के पास हूँ, मेरे पीछे वो टेंपल है, मेरे पीछे वो टेंपल है, आप देख रहे हैं सब।